प्रदेश के नौजवानों की रीट की चीट की चित्कार के बीच में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने तीसरे कार्यकाल का चौथा मैराथन बजट इस सदन में प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय जीवन में 2 घंटे 57 मिनट तक पढ़ा हुआ ये पहला बजट मैंने सुना और ये पहला मौका रहा जब बजट से पहले सरकारी मशीनरी सक्रिय हुई, पूरे राजस्थान के अंदर सप्ताह भर पहले से सरकारी विज्ञापन जारी किए गए, किसान हितैषी सरकार का क्रांतिकारी कदम, पहला कृषि बजट सदन में प्रस्तुत होगा, ग्राम विकास अधिकारियों को कहकर ग्राम राजीव गांधी केंद्र खुलवाए गए, ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समितियां, जिला परिषद और जिला कलेक्ट्रेट में पहली बार सरकारी अहलकारों को कहा कि आप इस बजट को सुने। मैं समझता हूं कि जब राजीव गांधी केंद्र पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लाए गए किसान जब जाकर वापस निकल रहे थे तो मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ लोगों ने कहा, हम कृषि बजट सुनने गए थे, ना कृषि मंत्री का चेहरा दिखा, ना अलग से कृषि बजट प्रस्तुत किया गया, बस पुरानी उसी बजट में एक चैप्टर को बढ़ाया गया। और अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इस पूरे कृषि बजट की अगर जान है तो 11 मिशन है। मैं आगे साबित कर दूंगा ये 11 मिशन कोई नए मिशन नहीं है, केंद्र सरकार की योजनाएं, केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं को अगर मिशन का नाम देकर आप अपनी पीठ थपथपाना चाहते हो तो मुझे कुछ कहना नहीं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि वो लोग बात कर रहे थे कि खोदा पहाड़ पर चूहिया भी दिखाई नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान के आर्टिकल 112 में ये व्यवस्था दी गई है कि चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, हर वर्ष हर सरकार अपने वित्तीय विवरण का, आय व्यय का लेखा जोखा सदन के माध्यम से राजस्थान के आवाम के सामने रखती है और हमारे नियमों में, नियम 138 में भी इसी तरह की व्यवस्था है। और सभापति महोदय, कोल एंड सकदर ने तो और एक बात कही कि संसदीय लोकतंत्र में आय व्यय विवरण एक पवित्र और महत्वपूर्ण दस्तावेज है, यह जनतंत्र में सरकार बनाने वाले जन के बीच में सरकार का सदन के द्वारा किया गया एक वादा है। और हम सब जानते हैं कि बजटीय घोषणा होती है, बजट बनता है उस वित्तीय वर्ष के लिए बनता है, हर लोकतांत्रिक सरकार का राज धर्म है कि बजट की घोषणाएं उसी वित्तीय वर्ष में पूरी हो। मुझे अफसोस है ये राज धर्म इस सरकार के लिए अधर्म बन गया और इसीलिए जब कभी भी बजट रखने की मौका आया, पिछले बजट में की गई घोषणा पर किसी ने दृष्टिपात नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने आकर एक बार जादूगर के नाम पर जादू पिटारा खोला, तालियां बजती गई और उन तालियों की गूंज राजस्थान का वो व्यक्ति छाती पीट कर करता रहा जब उसने साल के अंत में देखा कि कुछ भी नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं जनता का ट्रस्टी हूं, इन ट्रस्टी जी ने जितना ट्रस्ट जनता का तोड़ा है। मैं निवेदन करूं 10 जुलाई 2019 को पहला बजट, 20 फरवरी 2020 को दूसरा बजट और 24 फरवरी 2021 को तीसरा बजट। अध्यक्ष महोदय, अब यह 2022-23 का बजट, इस पर जब मैं दृष्टि डालता हूं और पूर्ववर्ती बजटों पर दृष्टि डालता हूं, मेरे मन में बड़ी पीड़ा है। हम इस संसदीय लोकतंत्र को कितना छोटा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने रात को 123 पृष्ठीय इस बजट के अभिभाषण को पढ़ा, मोटी मोटी 74 घोषणाएं मुझे दिखी,
मैं कैलकुलेटर से उसके आंकड़े जोड़ रहा था। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा, 1,36,450 करोड़ की आपने घोषणाएं कर डाली। और जब मैं आपका प्लान साइज देखता हूं, 1,69,655 करोड़, और जब मैं देखता हूं कि लगातार राजस्व घाटा बढ़ रहा है, लगातार आपके रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, तो मैं मुझे अफसोस इस बात का होता है कि सरकार को शायद बजट प्रस्तुत करके और आज मेज थपथपाने वाले लोगों को जनता के बीच में जाकर अपनी छाती पीटनी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। मतलब अब नहीं, चाहे कोई राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो, चाहे बजट का अभिभाषण हो, चाहे इनमें रिप्लाई हो, घोषणा करो और भूल जाओ, ये फिजरत रही है इस सरकार की। और मैं समझता हूं कि अध्यक्ष सभापति महोदय, जिस सरकार की बुनियाद अंतर्विरोध से हो, जो सरकार राजस्थान में मात्र 1,70,000 वोट लेकर सत्ता में आ जाए, अगर मैं 3 बजटों की विवेचना करूं, और मैं बड़ी जुम्मेवारी से कह रहा हूं, 48% सुरोई से आने वाले मान्य सदस्य ऐसी घोषणाएं हैं जो बस्ते से, बजट के बस्ते से बाहर नहीं निकली। और ये बातें मैं हवा हवाई में नहीं कर रहा, ये सब सभापति महोदय मैं सिद्ध करूंगा। मैं उन घोषणाओं को लिपिबद्ध करके लेकर आया हूं जो घोषणाएं इन्होंने पूर्व के बजट में कही। मुझे अभी 2022-23 के बजट में पैरा 23 के अंदर इन्होंने पैरा 133 में 11 मिशन बनाने की बात कही। मैं याद दिलाना चाहता हूं सदन को, 2021 के अंदर सदन के नेता ने जो कहा वो उद्धृत करना चाहूंगा। पैरा 9 में इन्होंने कहा, संपूर्ण राजस्थान एक परिवार की तरह है, इस परिवार के लिए मैं 7 संकल्पों को इस बजट के की प्राथमिकता बनाना चाहता हूं। मारवाड़ के गांधी ने संकल्प ले लिया और संकल्प क्या था, निरोगी राजस्थान होगा, संपन्न किसान होगा, महिला बाल और गृह का कल्याण होगा, सक्षम मजदूर छात्र युवा जवान होगा, शिक्षा का प्रावधान होगा, पानी बिजली सड़क का जाल होगा, कौशल और तकनीकी प्रबंधन होगा। सभापति महोदय, इस बार बजट के अंदर 2022-23 का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसके पैरा 7 में संसदीय कार्य मंत्री जी, आप लोगों ने 2 बात कही, निरोगी राजस्थान भी कर देंगे और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये निरोगी राजस्थान तो आप कर देना, परंतु कम से कम भगवान के लिए इस वैश्विक महामारी से जो काल कल्पित हो गए, जिनके लिए आपने बड़े चौड़े लंबे चौड़े मुआवजे की बात कही, सुप्रीम कोर्ट की उस फटकार के बाद आप थोड़े से ले फिर हिलकर वापिस वहीं बैठ गए। आज भी बड़ी संख्या के अंदर लोग, जिनको पैकेज अनाउंस किया था आपने कोविड के अंदर, वो महरूम है, कम से कम उसको तो वो दे दो। आपने संपन्न किसान की बात कही। सभापति महोदय, इस बार भी 22-23 के बजट पैरा 31 में समर्थ किसान और खुशहाल राजस्थान, वाह क्या बात है। आज इस संपन्न किसान की कहानी राजस्थान के गांव में गूंज रही है। किसान की आत्महत्या, सभापति महोदय, सोहनलाल किडेल की आत्मा नेत्राम की, सूरजाराम की आज भी आपसे सवाल कर रही है कि आपने कर्जा माफी के लिए राजस्थान के किसानों को एक भ्रम जाल में क्यों फंसाया। एक बार नहीं, मैं आगे इस बात को सिद्ध करूंगा कि 7 बार इस पवित्र सदन में पवित्र दस्तावेजों के माध्यम से एक बात बार बार कही गई कि जो कॉमर्शियल बैंक है, जो स्टूल बैंक है, जिसमें 30 नवंबर 2018 का जो अवधि पार फसली ऋण है, वो 2 लाख रुपए तक ऋण हम माफ करेंगे। हो गया माफ ऋण, कृषि बजट लेकर आए हैं पर बोले नहीं। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं सभापति महोदय, दर्द के साथ, राजस्थान में 9,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, जिन्होंने कॉमर्शियल बैंक से, शेड्यूल बैंक से, ग्रामीण बैंक से, केसीसी के माध्यम से फसली ऋण लिया, सरकार के वादे के कारण से हो गई। 7 बार सरकार बोल गई कम 1 टाइम सेटलमेंट कराएंगे। मैं इस बात को आगे कहूंगा
और 1,54,000 किसानों को रोडा एक्ट के तहत नोटिस जारी हो गए, इनकी जमीनें भी बचेगी नहीं। आपने आज संसदीय मंत्री जी आपने कहा कि महिलाओं के मान और सम्मान और उस बात के लिए महिलाओं पर बहस करा लें, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रतिपक्ष नेता, मुझे गर्व है आप पर कि आपने उसके लिए कहा कि आप जरूर करवाएं, परंतु आपने महिला बाल वर्ध कल्याण वो संकल्प आपने लिया था, मैं निवेदन करना चाहूँगा ये जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये आंकड़े मेरे नहीं है, आपके मुख्यमंत्री जी कह देते हैं कि इन आंकड़ों का के लिए प्रीएम्बल्स में दूसरी बात लिखी है, पर ये आंकड़े चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि आप 2019-20 और 2020-21 के अंदर राजस्थान में दुष्कर्म में पहली पायदान पर पहुंचे, और पुलिस प्रतिवेदन जो पुलिस एक्ट 2003 के बाद में जारी किया जाना अनिवार्य हो गया था, सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य, मैं लंबी बात कहूंगा, मुझे कुछ मेरी बात कहनी है, मैं एक एक आंकड़े को नहीं सामूहिक आंकड़े कह रहा हूं। इन 3 सालों में 19-20, 20-21 और 21-22 में 1,15,746 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज हुए, 18 अबलाओं की इज्जत जिस राजस्थान में रोज लूटी जा रही हो, जिसका डीजीपी ये कहते हैं कि 48% झूठे मामले आते हैं, एक लाइसेंस दे दिया, और अभी मैं अलग की बात कही। सभापति महोदय, नीति आयोग ने नवंबर 2021 में एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई की रिपोर्ट जारी की, सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य ने जरूर पढ़ी होगी, उसमें लिखा है कि राजस्थान में बालकों में कुपोषण 42.6% है, ये हालात है राजस्थान की। और आपने कहा कि हमें सक्षम मजदूर संकल्प है हमारा राजस्थान के लिए, छात्र युवा जवान, मैं समझता हूं एक वो रिपोर्ट जो मेरी नहीं सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की है, जिसने ये कहा कि हरियाणा के बाद में राजस्थान में 27.1% बेरोजगारी देश में दूसरी पायदान पर है, उसी रिपोर्ट ने यह कहा कि राजस्थान के अंदर हर दूसरा ग्रेजुएट 53.8% ग्रेजुएट बेरोजगार है, और अब 2022-23 के बजट में पैरा 31 में आपने 19 जिलों में 31 विद्यालय खोलने की घोषणा की है। मैं माने राजवी साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा, एक सवाल ने सारी कलाई खोल दी, पर इसके साथ ही मैं बात को लंबी नहीं करते हुए, ये जो यूजीसी की ताजा रिपोर्ट है 2021 की, जिस रिपोर्ट ने कहा कि राजस्थान में 33 जिले में 30 जिले उच्च शिक्षा की दृष्टि से फिसड्डी है, और इन 3 बजटों में आपने पहले 3 के अंदर 122 अरब 31 महाविद्यालय खोल दिया, पर कोई बजट का प्रावधान नहीं, मुझे अफसोस इस बात का है। मैंने बजट की पुस्तकों के उस हेड में भी ढूंढने की कोशिश की सभापति महोदय, मुझे नजर नहीं आई। आज 292 प्रिंसिपल की पोस्ट है, उसमें से 208 खाली पड़ी है, हद होगी अब सभापति महोदय, और 1,200-799 लेक्चरर और एक्सेंट कर्मचारियों में 6, यानी बिना फैकल्टी बिना भवन बिना बजट खोलो आप महाविद्यालय। और आपने बिजली की बात कही, अब के 22-23 के अंदर बड़ी जोर से थपथपाई इन्होंने, मैं जब कहा कि 118 लाख उपभोक्ता है, 16 यूनिट तक जो खर्च करेगा 50 यूनिट मुफ्त में, 150 यूनिट में करेगा उसके 3 रुपये माफ, 150 से 300 करेगा उसको 2 रुपये कम। आज राजस्थान में सभापति महोदय जुम्मारी से कह रहा हूं, महाराष्ट्र के बाद सबसे महंगी बिजली इस राजस्थान में है, और मैं वो सारे टैक्स रिकॉर्ड पर लड़ना चाहता हूं। शहरी सेस बिजली की दर अलग है, शहरी सेस के नाम पर 35 पैसे प्रति यूनिट, विद्युत शुल्क के नाम पर 4 के नाम पर 35 पैसे, अब 8 पैसे और लेकर आए हो, आपने पढ़ा होगा 8 पैसे और उसके अंदर ऐड होंगे दिसंबर के बिल में। जल संरक्षण उपकर के रूप के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट, एक अडानी टैक्स चल रहा है, हमारा नाम लेते ना अडानी जी, आपने अडानी को पैसा देना, आपको अडानी को आपको 2552 करोड़ रुपए देना, इसलिए टैक्स उपभोक्ता पर वो 5 पैसे अलग चल रहा है, और TND लॉस है 20%, इसका पैसा भी उसी बेचारे उपभोक्ता पर,
और महंगी बिजली खरीदने का घोटाला मैं जिक्र करूंगा सभापति महोदय आपको आगे, और 50 यूनिट से 300 यूनिट तक जो बिजली का उपयोग करता है उसका बिल आता है अध्यक्ष जी 8 रुपए 31 पैसे से लेकर 13 रुपए 34 पैसे तक। ये हालात है जब आप मेज थपथपा रहे थे और आपके कौशल तकनीकी प्रधान, मैं उसकी क्या कौशल है भी, कौशल RSLDC का कौशल तो महान है सभापति महोदय। मैं समझता हूं कि बिना ट्रेनिंग के और ट्रेनिंग करने वाले कौशल सेंटरों पर जिस प्रकार ACB भी शर्मा गई कि क्या चौथ वसूलू का क्या तरीका है, मैनेजर को और एक स्कीम कोऑर्डिनेटर को, और फिर बड़ी मछली तैर कर निकल गई। संसदीय कार्य मंत्री जी, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है। सुना ना वो गाना आपने, आप देख लेना। और मैं कह सकता हूं जिम्मेवारी से, 2023-24 के बजट को मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, माउथ मीडिया से भी लोग कह रहे थे, और गांव के चौपाल पर, शहर के डगर पर जो चर्चाएं हो रही थी वो ये हो रही थी कि एक बार फिर जादूगरी का कमाल, पिटारा जोरदार खोला। पर साथ ये भी कह रहे थे कि इस बार प्रतिपक्ष ने भी जो जमकर रीढ़ की चीट से लेकर सारे मुद्दे उठाए उससे भी घबराए, जो कुछ करना है अगला साल मत देखो अभी कर दो, सरकार ढहती नजर आती है। और जब मैं कई दर्जन बजटीय भाषण सुनने का साक्षी रहा हूं, मैंने मौजूदा सरकार के चारों माह में राज्यपाल के अभिभाषण गौर से पढ़े 168 पृष्ठ, और चारों बजटीय भाषण 350 पृष्ठ के मैंने पढ़े। मैं इन 8 संसदीय लोकतंत्र के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पवित्र दस्तावेज के लिए कह सकता हूं, मुझे 2 शब्दों में कोई कहे कि इन महान दस्तावेजों की सेंटिटी को लेकर, पवित्रता को लेकर वादे करके भूलना, यह गुनाह जो सबसे ज्यादा हुआ है तो गहलोत साहब की सदारत में चलने वाली सरकार में हुआ। अब कल तो मुख्यमंत्री जी बहुत खुश थे, वसुंधरा जी आ गए इसलिए आप चुप हो गए, हम पर कह रहे थे, मुस्करा भी रहे थे, पर वसुंधरा जी जब नहीं होती तो नाराज भी बहुत होते। 15 फरवरी को हम रीट की चीट को लेकर राजस्थान के नौजवानों की आवाज बने हुए थे, रिप्लाई में आए नहीं। मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई मैंने जाकर YouTube पर देखा, किसको जवाब दूं, क्यों जवाब दूं, क्या जवाब दूं, प्रतिपक्ष तो गायब है। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी सोचा कि मैं भी सदन में ये कहूं, क्यों सुनूं, किसके लिए सुनूं, क्योंकि बातें तो वही कॉपी पेस्ट भाषण की है। मैं जुम्मेवारी से, मैंने राज्यपाल अभिभाषण के प्रत्युत्तर में मुख्यमंत्री जी बोले अब तक सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य 5 घंटे 22 मिनट, और 3 बजटों के प्रत्युत्तर में बोले 4 घंटे 3 मिनट, और ये सारे कंटेंट मिला लो 70% कॉपी पेस्ट भाषण मुख्यमंत्री जी का। मैं सुनता तो क्या सुनता, जिस तरह कई बार पुराने रिकॉर्ड प्लेयर नहीं, सभापति महोदय पुराने रिकॉर्ड में सुई अपने आप अटक जाती है, वहीं घूमने लग जाती है। अब इन 7 भाषणों में अगर मैं करूं, पहली बात तो उन्होंने हमेशा कहा कि कांग्रेस ने देश को आजाद कराया और संविधान निर्माण किया, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बहन सिंह जी ने कुर्बानी दी। अरे किसने मना किया, कौन इत्तफाक नहीं रखता, क्यों बार बार सदन का समय जाया करते हो आप एक ही बात बोलकर। फिर उन्होंने हर अपने भाषण के अंदर रिफाइनरी की बात कही, 26% रिफाइनरी का हिस्सा कैसे हुआ इसकी बात कही, फिर 5 वर्ष रिफाइनरी विलंब कर दी हम पर आरोप लगाया, और फिर सभापति महोदय वो अध्यक्ष जी को देखकर वो भीलवाड़ा का मेमू केस क्या हो गया कि आप तो न जाने क्या हो गया, उसकी चर्चा आप उठा के देखे भाषण, मैं आपको प्रूव कर दूंगा। अरे एक जयपुर में हमेशा इस बार भी कह दिया, जयपुर का मेट्रो फेज 2 इसकी तो DPR बना ही डालूंगा, आज तक वो DPR कौन से PR में चलेगी मुझे मालूम नहीं। और एक बांसवाड़ा डूंगरपुर रेलवे ट्रैक की चर्चा कर दी, और एक 13 जिलों की ERCP की वो घोषणा जो प्रधानमंत्री जी ने कही,
मैं दोनों सभाओं में था, मैंने प्रधानमंत्री जी को मेरे दिलो दिमाग ने खूब याद किया कि प्रधानमंत्री जी ने कब घोषणा की थी कि हम इस ईआरसीपी परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। अगर है तो सदन के नेता जवाब दे तो मुझे बताएं। मतलब एक ही बात को और फिर 25 सांसद दे दिए, एहसान कर दिया, तोता रटन बात एक ही, और उसके बाद में लोकतंत्र फिर खतरे में है, संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल हो रहा, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, और फिर जब कभी बात आई हमें पैसा केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार में हमारा हिस्सा एहसान नहीं है, फाइनेंस कमीशन 14वें और 15वें फाइनेंस कमीशन के कारण से मिलता है, और फिर कभी बात कही सब जगह बाई के बाद प्रतिपक्ष ने, आप तो बड़े भावुक हो, आप आंकड़ों की क्यों चिंता करते हो? ये आंकड़ों का जवाब तो मैं, मुझे और मेरे साथियों को इसकी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिपक्ष नेता के आंकड़ों का जवाब नहीं। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, 19 महीने बचे हैं, किसने आपका हाथ पकड़ा है मेमू कैच बना कोच नहीं बनाओ। हाँ, अब क्या आपने एक कमाल जरूर कर दिया, ईआरसीपी का आपने इस बार एक कॉरपोरेशन जरूर बना डाला, ईआरसीपी कॉरपोरेशन बजट पर 140 में, अब देखते हैं क्या कमाल करते हो। सभापति महोदय, मैंने पहले जो बात कही, मैं 23 जनवरी 2019 बड़ी जुम्मेवारी से सदन में सदन के नेता के द्वारा कहे गए भाषण को पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा, नेशनलाइज बैंक शेड्यूल बैंक, 24 जनवरी 2020 में भी उन्होंने ये बात की और 2021-22 के बजट में भी कही, 23 जनवरी 2019 को क्या कहते हैं सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य, नेशनलाइज बैंक शेड्यूल बैंक के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जो कृषि ऋण एनपीए है, मैंने घोषणा कर रखी थी कि डिफॉल्टर है, उसके बारे में हमने घोषणा की थी कि उनके 2 लाख तक के कर्ज माफ होंगे, इसको लेकर हमने बातचीत शुरू कर दी 23 जनवरी को, कह रहे हैं 2019 को। और जिस प्रकार उद्यमियों के व्यापारियों के वन टाइम सेटलमेंट होते हैं ओटीएस, उसी रूप में ओटीएस के माध्यम से हम सेटलमेंट करेंगे, इसके लिए किसानों को 2 लाख तक का कर्जा माफ हो सके, प्रधानमंत्री को हमने पत्र लिखा है, आप स्वयं आकर कर्जा माफ करें, परंतु हम इसका इंतजार नहीं करेंगे, परंतु मैं वादा करता हूं अगर सहयोग नहीं मिला तो हमारी सरकार कर्जा माफ करेगी। फिर आगे क्या कहते हैं, ये सद्भावी किसान, इनके लिए स्पेशल पैकेज बनाएंगे, गुड ब्रोवर है ये, इसके लिए कर्नाटका महाराष्ट्र का तेलंगाना झारखंड उड़ीसा गुजरात पंजाब आदि राज्यों में जो टाइम पर ऋण चुकाते हैं उनकी स्टेजेस करके देश की सबसे अच्छी योजना स्पेशल स्कीम लेकर आएंगे 19 जनवरी 2019। अध्यक्ष महोदय, नतीजा क्या निकला, आज 1,53,000 किसानों को रोडा एक्ट 1976 के सेक्शन 13 और 14 में नोटिस मिले, और अब एक बात कह दी, सीपीसी एक्ट 1908 में जो सेक्शन 60(1)(b) में हम संशोधन लेकर आए हैं, 5 एकड़ तक की भूमि नीलाम नहीं होगी, किसी किसान की नहीं होगी। मैं जुम्मेवारी से कह सकता हूं कि ये अगर सीपीसी का संशोधन लागू भी हो गया तो आप तो वकील रहे, ये सिविल प्रोसीजर कोर्ट में है संशोधन, मामला सिविल कोर्ट में जाएगा, जज तब देखेगा कि ये 5 एकड़ की जमीन है, इसको इसमें नीलाम नहीं कर सकता। आप जब तक रोडा एक्ट 1974 में संशोधन नहीं करोगे और सहकारी अधिनियम 2009 में संशोधन नहीं करोगे, इन दोनों के अंदर आपने सिविल राइट दे रखे हैं, सिविल कोर्ट के राइट्स दे रखे हैं, जमीन नीलाम करने से कोई बचा नहीं पाएगा। और ये 30 नंबर 2018 के 12 लाख किसान, इन पर 5,600 से ज्यादा लोन है, 2 लाख रुपए लोन ले लिया था, ब्याज चक्रवर्ती ब्याज आज 7-7.5 लाख हो गई। आपने उस समय राहुल गांधी जी घोषणा कर रहे थे, तब उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी का दाता पता नहीं था, पर वो मेरे मित्र नहीं है महेश जी, वो धीरे धीरे मैं देख रहा था उसमें यूं जा रहे थे, अरे कान में ये तो कह देते ना भाई ये कदम नहीं कर पाएंगे, पहले मोदी जी से पूछेंगे। आज राजस्थान का किसान करा रहा है, और मैं निवेदन करूं, आपने एक काम और किया, मैं सदन का ध्यान 2019-20 पैरा 7 और 8 इसमें जन घोषणा पत्र के लिए आपने क्या कहा कि जन घोषणा पत्र हमारी प्राथमिकता है, इसमें हमारी प्राथमिकताएं दर्ज है, इसमें सरकार की कार्य योजना है, इसको हमने अंग योजना का अंग बनाया है,
इसको पूरा करने के लिए चरणबद्ध तरीके से दृढ़ निश्चय कर लिया। मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी कहते हैं 70% वादे जन घोषणा पत्र के पूरे कर दिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर जिस किसी ने कैलकुलेशन करके बताया है निश्चित तौर पर उसकी गणित में सप्लीमेंट्री आई है। वरना अध्यक्ष महोदय किताब सामने पड़ी है, घोषणाएं सामने पड़ी है और 70% मतलब ये कोई मजाक की बात नहीं है। उस अधिकारी का रिकॉर्ड भी चेक कराओ, वो फर्जी डिग्री से मुख्यमंत्री जी का एडवाइजर बना हुआ है। पेपर चुरा के आया होगा। अध्यक्ष महोदय बहुत सी ऐसी योजना है जिसमें सरकार का धन नहीं लग रहा था, प्रोसीजरल थी, कार्य प्रणाली से जुड़ी हुई थी। अब इनको कोई कह 38 महीने गुजर गए, ये नई खनिज नीति 2019 में इन्होंने कही, क्या हुआ? ये हरियाणा पंजाब के तर्ज पर नई खेल नीति कहां चलेगी? 2019-20 में नई शिक्षा मंत्री ला रहे थे, शिक्षा नीति कहां चलेगी? ये राइट टू हेल्थ का झुंझुना कितनी बार बचाओगे? और मैं सदन का ध्यान एक बार फिर जन घोषणा पत्र पृष्ठ 3 क्रमांक 6, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए, हम किसान को फसल का उचित दिलाने के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल को खरीदने का पुख्ता इंतजाम करेंगे। चलो ये घोषणा पत्र में बोल गए। फिर 19-20 में क्या बोलते हैं बजट के अंदर पैरा 17 में, किसान भाइयों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह पर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की एक और पहल, बड़ा कदम उठाते हुए मैं ₹1000 करोड़ की कृषक कल्याण कोष की घोषणा करता हूं। इस कोष से किसान को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाया जाएगा। मैं नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। अभी इस बार भी इन्होंने किया ना, 2022 पैरा 133 में मुख्यमंत्री साथी योजना के 2000 को मैं 5000 कर रहा हूं। बस मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी उत्तर दे तब ये बताएं जरूर कि आपने ये K3 जो कहते हो किसान कल्याण कोष से कितने लोगों को पुख्ता उसका अनाज के लिए, कितने लोगों को सब्सिडी किस किस अनाज में दे दी, मेरी समझ के बाहर की बात है। आपने घोषणा की पशुधन के लिए आसान दरों पर ऋण दिलवाएंगे, कितने पशुओं को दिला दिया 2019-20 में, 20-21 में, 21-22 में, कहां बजट प्रोविजन है? मैं जुम्मेवारी से कहता हूं सभापति महोदय, मैंने सारी किताब देखी, वो बजट प्रोविजन मुझे बता दो। क्या आपने पशुओं के धन के लिए, पशु किसान को पशुधन के लिए सत्ते में ऋण देने के लिए योजना बनाई? आपने अब कृषि बजट लेकर आए आप, पर आप क्या हुआ आपकी गोचर विकास बोर्ड के गठन की घोषणा का? क्या हुआ आपने ग्रामीण अभियंत्री का अलग से गठन करना था? क्या हुआ हस्तशिल्प कला और हाथकरघा का? क्या हुआ? और मैं समझता हूं राइट टू हेल्थ की तो मैं बात क्या करूं। अध्यक्ष महोदय मुझे एक बड़ा आश्चर्य, एक नया कमाल हुआ, हिंदुस्तान में पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी महंगाई के विरुद्ध में अपने मंत्रिमंडल के साथ गांधी जी की तस्वीर पर मूर्ति के नीचे जा बैठे, महंगाई ज्यादा थी। मैं जन घोषणा पत्र का पृष्ठ 14 क्रमांक 6-8 ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें इन्होंने कहा महंगाई के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी दस्तावेज कह रहे हैं अजमेर से आने वाले मान्य सदस्य। मैं पूछना चाहता हूं महंगाई के विरुद्ध में आंदोलन और महंगाई के विरुद्ध में राजस्थान के आवाम से वादा कम कदम उठाएंगे, कितने कदम उठाए? उपभोक्ताओं को प्रतिदिन रोजमर्रा में काम में आने वाले किस जींस में, किस चीज में, किस पेट्रोल में, किस डीजल में, किस चीज में कितनी कितनी थी? आज मुझे कहते अफसोस है इस हिंदुस्तान में सबसे महंगा पेट्रोल अगर डीजल मिल रहा है तो गंगानगर हनुमानगढ़ में मिल रहा है, ₹111.58 प्रति लीटर पेट्रोल, ₹94.79 प्रति लीटर डीजल, और देश के अंदर सर्वाधिक महंगा किसी राजधानी में पेट्रोल डीजल मिल रहा है तो जयपुर में मिल रहा है, ₹107.14 पेट्रोल और ₹90.78 डीजल, और देश में सर्वाधिक महंगी बिजली जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं तो यहां मिल रही है। अध्यक्ष महोदय अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 10 लाख लोग पैरा 69 में NFS के पात्रता सूची में जोड़ने के दृष्टि से 31 जनवरी
2022 तक शेष छूटे परिवारों को 10 लाख परिवारों को जोड़ने की घोषणा करेंगे। किसने मना किया? आपने जन घोषणा पत्र में कहा था ना कि 59% की पात्रता को हम 100% करेंगे। अरे चार बजट लेकर आए हो, करते अपने बजटीय प्रावधान से। 17,80,000 तो आपने नाम काट दिए, और लेकिन संविदा कर्मियों का तो क्या बात करूं, मतलब लंबी चौड़ी घोषणा कल्ला जी आपके लिए मुश्किल हो गई। ये जो कल्ला कमेटी ने, आपने भला तो कर नहीं पाए। आप सीधे आदमी हो और अच्छे आदमी हो, ये आप पर तो ये पैरा टीचर हो, चाहे आपके लोग जुम्बिस हो, NRHM है, ये लाल कपड़े से भैंस चमकती है ना वैसे आपको, आप ध्यान रखना, मैं चुनाव में जाओ तो मेरी थोड़ी सी राय ले लेना। और अभी 11 जनवरी 2022 को अधिसूचना क्रमांक 17-4-4-2014 पांच वर्ष पुराने नए पद सर्जित होने पर स्क्रीनिंग कमेटी करेगी और नए पद सर्जित होने पर नियमित करने के बारे में विचार करेंगे। नया पद सर्जित करेगा FD जो करता नहीं है। और आपने इस अधिसूचना में अभी आपने कुछ लोगों के बोनस को बढ़ाने की बात कही है, पर इस अधिसूचना में 11 जनवरी की अधिसूचना में 11-3 में आपने लिख दिया संविदा कर्मी की जो संविदा की कालावधि समाप्त होने पर स्वतः ही पद समाप्त। वाह! और आपने इनका जो मानदेय था वार्षिक दर उसको 10% घटाकर 5 कर दिया। और आप लेकर आए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग सिविल पोस्ट, मैं समझता हूं ये कोई माफ नहीं करेगा आपको। और आपके आपने कहा कि इस बार कर्मचारियों को हमने बहुत कर दिया, पैरा 123 में SCP स्कीम संबंधित। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि 30 अक्टूबर 2017 को वेतन विसंगति को लेकर जो सामंत कमेटी बनी, 31 जुलाई 2019 को जिसने रिपोर्ट दे दी, आपने वो रिपोर्ट खोली नहीं, सामंत समिति वेतन विसंगति पर बनी थी। आपने नई कमेटी बना दी खेमराज की, अब तो वो भी आ गई, आप उस रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं करते? और एक झुंझुना पैरा 126 में 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त समस्त कर्मिकों को आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन OPC लागू करेंगे। क्या होगा इसमें? कब रिटायर होगा वो? वो रिटायर होगा सभापति महोदय 2034 में, तब न जाने हम कहाँ होंगे। और एक मैंने पहली बार देखा है पैरा 30 में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस को 225 करोड़ रुपये। क्या है इंस्टीट्यूट? मेरा आरोप है कि ये वो इंस्टीट्यूट है जिसने 2019-20-21 इन दो सालों में राजीव गांधी स्टडी सर्कल उसको 80 करोड़ रुपए दिए। और ये राजीव गांधी स्टडी सर्कल दूसरा नहीं है, ये राजीव गांधी स्टडी सर्कल आया है पेपर चोर के लाया है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमें जो पैसा मिलता है वो केंद्रीय वित्त आयोग के कारण से मिलता है। आज राजस्थान के सारे सरपंच ज्ञापन देने के लिए खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? कि 73वें संविधान के संशोधन के माध्यम से जो आर्टिकल 243 के अंदर जो एक संशोधन हुआ था, हर 5 साल के लिए राजस्थान ही पूरे देश के अंदर पंचायत राज संस्थान हो, स्थानीय निकाय हो, राज्य की शुद्ध आय में से ये जो राज्य वित्त आयोग बनता है 1% निश्चित प्रतिशत देता है। ये मैंडेटरी है, संविधान में लिखा है। और आपने क्या किया? आपने जब ये पांचवें वित्त आयोग का समय समाप्त हो गया 31 मार्च को, भूल गए, 1 साल बाद गठन किया छठे का 12 अप्रैल 2020 को। और आज राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन के 1,341 ग्राम पंचायत, 352 पंचायत समितियां, 33 जिला परिषद गए, आपने 2020-21 के 2,784 करोड़ दो किस्तों में, एक किस्त दी, अब दी है 1,387 की, और 2021-22 के एक ही नहीं दी, 3,000 की सारा कर दिया इन्होंने, 4,387 करोड़ रुपया राजस्थान के ग्राम पंचायत का वैधानिक पैसा रोकने वाले आप वित्त आयोग की बात करते हो। मैं समझता हूं इसमें आपको देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मामले में अपनी बात कहना चाहता हूं। जन घोषणा पत्र में मिड डे मील के लिए इन्होंने कहा, बच्चों के मिड डे मील में पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने घोषणाएं की। अब नीति आयोग ने जिस तरह मैंने कहा ना डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में भी 42.5% को बना, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना 2013 के, उसके रूल्स बने 2015 में, और उसी में 5(1) में ये कहा गया
कि 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को निश्चित तौर पर गर्म खाना मिलना चाहिए, और इसी के सेक्शन 8 में लिखा गया कि गर्म खाना नहीं मिले तो खाद्य सुरक्षा भत्ता दो। राजस्थान के अंदर जो स्कूल है 1 से 8 तक के सरकारी अनुदानित मदरसा टीचर नेशनल चाइल्ड प्रोजेक्ट से आने वाले, इनकी संख्या है 66,22,323 विद्यार्थी इनमें पढ़ते हैं। अब आपने इस बार जो इन विद्यार्थियों के खाने पर डाका मारा है, एक टेंडर किया आपने कॉनफेड के माध्यम से, और टेंडर किया डोर स्टेप डिलीवरी के लिए कंबो पैक ग्रोसरी दैनिक उपभोक्ता और प्रदेश के विद्यालयों के लिए। मैं वो बिड डॉक्यूमेंट लेकर आया हूं, उसमें लिखा कि 200 करोड़ का बिड है, पर शर्तें क्या लगाई प्रतिपक्ष नेता महोदय? शर्त संख्या 2 पेज संख्या 1 पर, ग्रोसरी दैनिक उपभोग की वस्तुओं आदि का अनुभव रखने वाली वह फर्म और संस्था जिसका 3 वर्ष तक का टर्नओवर 500 करोड़ होना चाहिए, और फिर दूसरी लगा दी राजकीय विभाग उपक्रम संस्था में ग्रोसरी दैनिक उपभोक्ता फर्म और संस्था का गत 2 वर्ष में 250 करोड़ होना चाहिए। और ये टेलर मेड टेंडर, और कमाल तो तब हो गया जब इसके अंदर जिन संस्थाओं को इनपैनल किया, केंद्रीय भंडार गृह, NCCF और NECA, 200 करोड़ की जगह पर इन्होंने RTP रूल 2013 को धत्ता बताते हुए 1678 करोड़ का, ये घोटाला महाघोटाला, 1678 करोड़ का आदेश दे दिया। ये साई ट्रेडिंग कंपनी को दिया इन्होंने 782, ये तिरुपति ट्रेडर्स को दिया 418, MT इंटरप्राइज को दिया इन्होंने 80 करोड़ रुपए। सभापति महोदय, यही नहीं, मैं निवेदन करूं, मैं वो आदेश की कॉपी लेकर आया हूं। ये पहला आदेश दिया इन्होंने, आदेश संख्या 357 18/12/2020, और अवधि जिसके लिए कंबो बैंक देने थे 14/3/2020 से 30/6/2020, और कंबो बैंक वितरण इन्होंने किया 2020 को जनवरी 21 और मार्च 21 में 308 करोड़ के। फिर दूसरा आदेश दिया 851/31/3/2021, और अवधि जो कंबो पैक की थी इन्होंने की 1/7/2020 से 31/3/2021, यानी अप्रैल 2021 और जून 2021, मतलब 700 करोड़ का। ये 1678 करोड़ रुपए का ये घोटाला, जो आपके पंचांग शिविर पंचांग जो विद्यालय के अंदर जो दिनों को तय करता है, 19-20 के अंदर चूंकि कॉलेज स्कूल खुले नहीं, 20-21 के आधार को मानते हुए 200 करोड़ का टेंडर, और आप दे रहे हो 1678 करोड़ के, ये किरदार कौन है, ये यक्ष पर्सन खड़ा है? अगर जवाब दे तो पता लगे क्या हुए। और सभापति महोदय, यही नहीं, मैं कर रहा हूं सभापति महोदय, मुझे कहना तो थोड़ा सा था। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि एक ये जो मुख्यमंत्री जी ने एक राजवेश विद्युत कंपनी है, इसकी एक AG ने एक इस पर 3436.8 करोड़ रुपए की डिमांड निकाली। खनिज अभियंता बाड़मेर ने अपने पत्र से डायरेक्टर को कहा भी इसकी डिमांड को लेना है, और डायरेक्टर ने पूछ लिया अतिरिक्त मुख्य सचिव से, और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस पूरे 3436.8 करोड़ की वसूली, इस वसूली में एक निजी विद्युत उत्पादनकर्ता जिंदल की कंपनी है राजवेश, उसको स्टे कर दिया 3436। और क्यों कर दिया, मैं कागज दिखाना चाहता हूं। ये वो अधिकृत कागज है कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में, ये 5 करोड़ रुपया, ये मेरा कागज नहीं है, आपके अकाउंट से निकला हुआ 5 करोड़ रुपया कांग्रेस कमेटी को दफ्तर में अगर कोई चंदा दे दे उसको अधिकार हो गया। मैं AG की रिपोर्ट टेबल करना चाहता हूं जिसमें कहा कि गलत तरीके से खनन किया है और इस पर कोई कार्रवाई हो। अध्यक्ष महोदय, मैं अब चूंकि मुझे आपने कहा कि मेरे को समाप्त करना है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हुए, एक जो बिजली खरीद के अंदर इन्होंने ये कहा कि हम तो आत्मनिर्भर हो गए, अब बिजली खरीद में हमारा उत्पादन बता दिया इन्होंने 23,309 मेगावाट, और हमारी फरवरी और मई मात्र 14,277 मेगावाट की जरूरत हमें रही पीक आवर्स में, फिर भी ये 14,470 करोड़ की बिजली ये कलाजी आपने 2019-20 में खरीदी, और 2020-21 में 13,793। मैं नहीं कह रहा, ये कागज कह रहा है, ये कागज जो है राजस्थान ऊर्जा विकास निगम का डिटेल ऑफ पावर परचेजिंग रेट फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट, मतलब आत्मनिर्भर है 23,309,
मेगावाट से कि इंडी लॉस भी मान लो, इंटरनली कंजम्पशन भी मान लो, क्या है 16 रुपए 20 पैसे में ये महंगी बिजली खरीद के किसको उपकृत करना चाहते हो? ये कई अनुत्तरित सवाल है जो निश्चित तौर पर कह रहे हैं। अब मैं अंतिम में सभापति महोदय, मेरी बातें रह गई पर एक बात कह के मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। ये जो बजट लेकर आए हैं, बजट में मैं ध्यान बजट माननीय सदस्य प्लीज सहयोग करें। बिराजिए माननीय सदस्य बिराजिए। सभापति महोदय, ये जो बजट पेश किया है, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, बजट एट ग्लांस 22-23 पेज 2, जिसके अंदर राजस्व घाटे का जिक्र किया है। ये राजस्व घाटा 2020-21 की बीए में था 12,378 करोड़, आरई में बढ़कर हो गया 47,721 करोड़, यानी 29,343 करोड़ बढ़ा, और 21-22 में बी में आप रखा 23,750 करोड़, आरई में बढ़कर हो गया 35,679 करोड़, यानी 11,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ा। अब इस बार आपने 23,488 करोड़ रखा है। मैं वादे दावे के साथ कहता हूँ, यह सुरसों की मुंह की तरह जो राजस्व घाटा बढ़ रहा है, राजस्थान की इकोनॉमी इमरजेंसी की तरफ बढ़ रही है, हाई फिजिकल स्ट्रेस के अंदर हमारा आ गया। और सभापति महोदय, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, जो कर्जा है FRBM एक्ट 22-23 में जो पेज 24 पर, वो कर्जा बढ़ते बढ़ते हो गया 5,23,031 करोड़, यानी 63,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने हर साल कर्जा लिया है। अरे हमारी इकोनॉमी कहाँ जाएगी सभापति महोदय? और मैं अंत में ये कहूँगा, जितना आपका टोटल टैक्स रेवेन्यू है, वो आंकड़े लेकर आया हूँ, उस टैक्स रेवेन्यू का 125% 2022-23 की बी के अनुसार टोटल टैक्स रेवेन्यू का से 125% ज़्यादा आपका ब्याज पेंशन वेतन और में जा रहा है। मतलब 1,23,650 इस इन तीन मद में खर्च हो रहा है, और आपकी ये है ना 98,293 बी है, बी कभी पूरी होगी नहीं। और अभी आप केंद्र को कोस रहे हैं, केंद्र सरकार का जो अनुदान है 15 वित्त आयोग का, मैं कुल मिला के कर और अनुदान दोनों ही बता दूं, क्योंकि आप मुझे टोकने वाले हैं, 2020-21 में था 60,370 करोड़ रुपये कर और अनुदान, 2021-22 में हो गया 80,080, आप देखिए जंप देखो, आप लिखो इसको, और 2022-23 में हो गया 94,528, और मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट में पैरा 5 में कह दिया कि केंद्र हमारी तरफ को हमारी मदद नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ इस प्रकार की बातें नहीं हो, और कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की हालात क्या है। अभी नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया, राजस्थान की आर्थिक विकास दर 5.4, बेरोजगारी दर 26.9, गरीबी के रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 34.7, कच्चे घर हैं 2.08, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने हमारी जो अर्थव्यवस्था है GHDP उसको बताया 11.42 लाख करोड़, हम देश की 8वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। पर दुर्भाग्य देखिए, प्रति व्यक्ति आय में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हमारा 22वां स्थान, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हम 29वें नंबर पर, इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में 20 जुलाई से लेकर जो मार्च से लेकर 20 जुलाई तक जारी है उसमें 36 नंबर, और UGC वाली बात तो मैंने बताई थी। क्या हालात बना दी आपने राजस्थान की, ये मैं नहीं कह रहा, टिकट वो डॉक्यूमेंट जो नीति आयोग ने UNO ने जारी किया, इसमें सारी तस्वीर आ गई। और पहली बार, बस एक मिनट, पहली बार आपने वेज एंड मींस को लेने को स्वीकार किया है। आप चले जाएं, ये जो बजट एट ग्लांस पे योजना, ये जो आपका टेबल है 2021-22 की, इसमें पहली बार आपने मार्गों पर अग्रिम सहित बजट सहित 3,46,182 और मार्ग पाए अग्रिम रहित वेज एंड मींस रहित 2,71,881, यानी 2021-22 में इस राजस्थान की सरकार को वेज एंड मींस के लिए 48,000 करोड़ रुपए ओडी में जाना पड़ा। ये कहां की अर्थव्यवस्था, कहां से पैसा लाएंगे ये? और ये कि इस बात 52,000 करोड़ भी ओडी में गए, ये जब 2022-23 में इन्होंने प्रोजेक्शन दिया उसमें जा रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे नरेगा की बात हो, नरेगा में 100 दिन करेंगे 125 दिन किया, नरेगा में 2,36,000 लोगों को टोटल ही अब तक 100 दिन मिल का काम मिला है, और टोटल जो लोग हैं
उसमें जो हमारे टोटल 1,19,00,000 जॉब कार्ड है इसमें एक्टिव है 79,00,000 और 7,00,000 लोगों ने काम लिया। क्यों बिना मतलब नाखून कटा लिया मैंने, शहादत पे नाम लिख देना मेरा, ये एक बात है। और ये सभापति महोदय आप समय नहीं दे रहे, पर ये जो राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन वो पर ड्रॉप मोर क्रॉप किसकी है, हिंदुस्तान की सरकार की। सूक्ष्म सिंचाई के लिए ये जो राजस्थान जैविक खेती राष्ट्रीय परियोजना ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल ये किसकी है। राष्ट्रीय उत्पादन निगम इसके अंदर सरकार ने 2014-15 में शुरू की। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन, ये तो धन्यवाद दो, मैं मुझे समय नहीं मिला हमारे प्रधानमंत्री को जिन्होंने इस बात को रखा। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित हुआ, मैं समझता हूँ किसकी योजनाएं, किसको कपड़े पहना रहे हो आप, फिर आप कहोगे कि आपने ये बात कह दी। आज ये सारी बातें ये सिद्ध कर रही है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान की न केवल अर्थव्यवस्था बदहाली की ओर गई है, बल्कि आपने जो बजट प्रस्तुत किया है वो चोर दरवाजे से उन स्कीमों के आधार पर किया है, बिना पैसों के, बिना अर्थव्यवस्था के घोषणा दर घोषणा कर देना। आज जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आज आपने इस टेबल को पीटा है, जनता के बीच में जाओगे छाती पीटोगे। आपने समय दिया, धन्यवाद।